केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने दावा किया कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि अभी विकास के लिए मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और बीजेपी के एजेंडे में आज भी राम मंदिर है और कभी भी बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर पीछे नहीं हटी। साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उमा भारती ने ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया और कहा चुनाव आयोग चैलेंज दे चुका है कि अगर गड़बड़ी हो सकती है तो कांग्रेस साबित करे। कांग्रेस के लोग एकदम मुगालते में हैं, कांग्रेस के नीचे कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं, उनको पोलिंग एजेंट बनाने में भी कठिनाई आई है क्योंकि उन्होंने नीचे काम ही नहीं किया। पूरे समय पे वो 4 साल आराम करते हैं, 4.5 साल और ठीक चुनाव से पहले एक्टिव होते हैं और आधा समय आधा आपस में लड़ने में बिता देते हैं। कांग्रेस की हालत मध्य प्रदेश में वही हो गई जो पश्चिम बंगाल में हो गई थी। अब यहाँ 10-15 साल के बाद कोई लौटेगा तो वो कांग्रेस नहीं होगी, वो कोई और पार्टी होगी, जैसे बंगाल में टीएमसी आई कांग्रेस। और हमारी आस्था इतनी सर्वविदित है कि इससे ना हमारे वोट बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं। राम मंदिर पे हमारी आस्था सर्वविदित है, तो जिसकी आस्था सर्वविदित है उसके इस मुद्दे से उस पर बोलने से हमारे उस पर बोलने से ना हमारे वोट बढ़ेंगे ना घटेंगे, हमारा समर्थन स्थिर और स्थायी है उस पर। वो हम नहीं भी बोलेंगे तब भी लोग मानते हैं कि हम चाहते हैं कि जहाँ रामलला है वहाँ मंदिर बने। वो हो गई जब हमने अयोध्या का आंदोलन किया, उसके बाद हमारी सरकारें डिसमिस हुई। डिसमिस होने के बाद में हम हार गए पूरी तरह से। 93 में हम यूपी हारे, हम मध्य प्रदेश हारे, हम हिमाचल हारे, हम खाली राजस्थान जीते, लेकिन 98 के हमारे मैनिफेस्टो में हमने राम मंदिर को फिर भी रखा। यानी राम मंदिर हमारे साथ वोट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था। आप ध्यान रखिएगा कि हमारे खेमे में मतलब हमारे अखाड़े में आकर के राहुल ने हमें चुनौती देने की कोशिश की और हंसी का पात्र बने। अगर वो वैसे ही रहते जैसे कि उनकी यहाँ परंपराएं रही हैं कि उनके परदादा ने कहा कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, उनकी दादी ने कहा कि मैं सेकुलर हूँ, सेकुलरिज्म में मानती हूँ, उनके पिताजी ने भी यही कहा कि मैं सेकुलरिज्म को मानता हूँ, वो इसी लाइन पर रहते तो ठीक था। और वो जनेऊ वगैरह पहनते तो पहले रहते अंदर, उसमें दिखावा करने की जरूरत नहीं। और हिंदुत्व का ज्ञान, हिंदुत्व की व्याख्या ये सब में वो नहीं पढ़ते और इसलिए वो और मात खा रहे लेकिन अगर फिर से कुछ 2-3 प्रकरण आए हैं तो उसे संतुष्ट कर दे सबको और साथ में इस चीज को समझ भी ले क्या क्या भूल हो सकती है। अगर वास्तव में किसी भूल की ओर इशारा है, यहाँ 2-3 विधानसभाओं की तरफ इशारा हुआ तो देख लेंगे।